है ये अभी और उनके पास अराउंड चार से पांच करोड़ रुपए का अप्रोक्सिमेट वैल्यू बिकॉज जब हम रियल स्टेट सेल करने जाते तभी पता चलता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है रियल स्टेट की so, 4 से पांच करोड़ रुपए का वो रियल स्टेट उनके पास अवेलेबल है

अगर अभी जब डिस्कशन हुआ तो उनको तो मतलब वैसे देखा जाएगा तो एसेट्स काफी है पांच करोड़ प्लस पांच करोड़ का अगर रियल एस्टेट एसेट है और कुछ पचास लाख से एक करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स उनके पास अवेलेबल है अभी जॉब चल रहा है इसलिए ज्यादा कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जो भी सरप्लस था वो एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे तीन घर लिए उन्होंने एक घर में वो रहना चाहते हैं और उसके अलावा उनके पास और ये चार पांच करोड़ की प्रॉपर्टीज है जिससे अराउंड सेवेंटी थाउजेंड का पोस्ट टैक्स रेंटल गील आता है पर मंथ का So, अब उनको लग रहा है कि यार ये मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह बन गई है एंड आई थिंक इज़ मोर टू टेक केयर ऑफ़ एक्सपेंडिचर या फिर मैं बाद में देखूंगा कभी सेल कर दूंगा देखते हैं कैसा होता है एंड ऑल दो थिंग्स सो पहली बात तो जब आप रिटायर हो रहे हो सो so, uh, रिटायर एक्चुअली होना और रिटायरमेंट के बारे में सोचना ये दोनों अलग चीजें हैं तो पहले रिटायरमेंट के बारे में सोचना इज अंडरस्टूड उसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती बहुत बार कैश फ्लो आ रहा है सैलरी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दैट्स हाउ वी कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर थॉट बट जब आप ये एक रियल एक रियलिटी चेक लोगे यानी कि आप रिटायर हो ही जाओगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डू नॉट फाइनेंशियल एसेट्स वो रिटायरमेंट काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आज आपको सैलरी आ रही है और उसके ऊपर आपको रेंटल यूल्ड भी आ रहा है तो आपको लग रहा है कि पैसा मतलब सरप्लस है यार आराम से सारी चीजें हो रही है बट वेन द सैलरी विल स्टॉप एंड यू विल हैव अराउंड अराउंडी लैक्स टू वन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग एसेट्स दो ढाई लाख रुपए पर मंथ का अगर एक्सपेंडिचर है पचास साठ साठ सत्तर हजार रुपए का आपको रेंटल यील्ड आ रहा है उसके बाद भी आपको अराउंड वन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर लैक्स पर मंथ का एक्सपेंडिचर चाहिए और वो अगर आप सिर्फ एक हाथ दो करोड़ एक हाथ करोड़ रुपए के फाइनेंशियल एसेट्स पे अगर उसको बैंक कर रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा तीन चार साल में वो पैसा खत्म हो जाएगा बिकॉज इज एन इन्फ्लेशन आज आप अगर सोच रहे हो दो लाख रुपए पर मंथ का आपका एक्सपेंडिचर है तो वो भी तो सिक्स सेवन परसेंट से बढ़ते जाने वाला है एंड दैट्स वाई कि वो जो रियल इस्टेट में एक बड़ा पैसा आपने रखा हुआ है इफ दैट पर्टिकुलर रियल स्टेट इज नॉट Uh, मतलब लिक्विडिटी uh, नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपको तो उस asset class का कुछ मतलब नहीं है फॉर योर रिटायरमेंट बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेंट मतलब पीपल स्टार्ट आर्ग्यूइंग बट वो मेरा रियल एस्टेट का प्राइस भी तो बढ़ेगा ना मतलब रेंटल लीड भी आएगा मुझे दो ढाई परसेंट का सात आठ परसेंट से मेरा रियल एस्टेट का प्राइस भी बढ़ जाएगा तो मतलब मेरे एसेट्स तो ग्रो हो रहे एसेट्स ग्रो करके आप करोगे क्या

ये आपको नहीं कंफर्टेबल uh, होगा टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट सो उस केस में यू विल हैव हैव टू मतलब उसमें से अगर थोड़ी एडिशनल लिक्विडिटी निकालिए तो कैसे करोगे आप रियल एस्टेट में से कि हाँ मुझे 20 लाख रुपए चाहिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए इज एन इमरजेंसी हाउ यू आर गोइंग टू विदड्रॉ दैट पर्टिकुलर अमाउंट सो अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आई विल डेवलप क्रिएट वन एसेट रियल स्टेट और उसके रेंटल यील्ड पे मैं आराम से कंफर्टेबली रहूंगा

उट लिक्विडि फिर एक अप्रोप्रिएट एसे आपको अचीव करना होगा जो आपके आने वाले दस पंद्रह बीस पच्चीस सालों का रिटायरमेंट का प्लानिंग प्रॉपरली करके देगा डिस प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशन इन रियल स्टेट इज नॉट अ गुड आइडिया आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि पॉइंट इज नॉट कि मतलब हम बोले कि नहीं चलो आप uh, सारा मार्केट में डालो नो वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट इवन हैविंग एलोकेशन टुवर्ड्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एसेट्स विल आल्सो मेक सेंस फॉर योर इमीडिएट थ्री टू फाइव इयर्स ऑफ रिटायरमेंट बकेट तो ये भी समझ के चलिएगा दोस्तों सो so हाई सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट के अलोकेशन टू रियल स्टेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो इफ यू नीड एनी हेल्प इन ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग यू कैन कॉन्टैक्ट आर रिलेशनशिप सेल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट इनवेस्ट डॉट इन तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद